स्कीम 8 स्थित दादू क्लासेज में परीक्षा परिणामों में अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सभापति अशोक खन्ना और उप सभापति शशि तिवारी सहित संस्था प्रधान भी मौजूद रहे। अतिथियों का साफा पहनाकर और माल्या अर्पण कर स्वागत भी किया गया। और हमको ये सिखाया कि रटने से कुछ नहीं होता, हर चीज को समझना चाहिए और समझने के बाद उसको अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करके लिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे बोलूँ, और उन्होंने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे ट्रॉफी दी, सर के सामने आने का मौका दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं और इसके लिए मैंने अभी 11th-12th में साइंस ऑप्ट की है, जिसमें मैंने अपने सब्जेक्ट्स लिए PCBM। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि जैसे बायो और मैथ दोनों एक साथ नहीं लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इंटरेस्ट की बात है तो उसमें कुछ बर्डन की बात नहीं होती। किस तरह अपने शेड्यूल को सेट किया और वो अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स चाहता है, वो अगर इतनी स्टडीज कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो कुछ उसका टारगेट तो होगा। ऐसे ही तो वो नहीं कर रहा, तो आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने टारगेट सेट करो और अपने सीनियर से जानो कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। गाना देते हुए उनकी परसेंटेज को जब भी सुनो तो थोड़ी सी क्लैपिंग जरूर कर देना, कर दोगे कि नहीं? हमारे आपके सीनियर, आपके भैया दश मामोड़िया ने 96.2% प्राप्त किए। इसके बाद रिया जैन 94.4%, खगेश यादव जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी भी 94.4% है। एक बार जोर से तालियां। खत्म यहाँ पे नहीं हुआ था रिजल्ट, ये तो सिलसिला चालू हुआ था। अभी तो बच्चे इतने थे कि रिजल्ट उनको लाना था, नाम रोशन करके जाना था। स्कूल का नाम है दादू क्लासेस। ये जो दादू क्लासेस है, दादू दयाल जी महाराज, आप लोगों ने अगर सुना हो, हम लोग दादू बनती हैं, दादू दयाल महाराज जो है उन्हीं के नाम पर ये इंस्टीट्यूट चल रहा है। उन लोगों की उनकी कृपा है ये सारी चीजें। मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआत जब हमने की थी तो दक्ष जो बच्चा है जो अभी 96.2 लेके आया है, ये 5 बच्चे थे 8 क्लास में, मात्र 5 बच्चे। इससे मतलब इनके सीनियर्स और थे वो 10th में थे उस समय, ये मात्र 5 बच्चे थे। एक बच्चा बैठा हुआ है हम लोगों का फर्स्ट स्टूडेंट है, मैं उसे भी अभी इन्वाइट करना चाहूंगा, हार्दिक गोहिल्ला, वो पहला स्टूडेंट। मतलब शुरुआत में ये 3 बच्चे आए थे, उम्मीद करके 5 हुए, धीरे 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 बच्चे बढ़े और बच्चों को अच्छा रिजल्ट मिलता रहा, लगातार हम लोग अच्छा रिजल्ट देते रहे। अभी इस बार जो हम लोगों का रिजल्ट है वो दर्शनीय है, 96.2 जो रिजल्ट है, आप लोग अगर देखें तो बहुत अच्छा है। अभी जैसे बात करता हूँ मैं दक्ष की, तो 99 मार्क्स वो SST में लेकर के आया है। सोशल स्टडीज में 99 मार्क्स लेकर के आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि हम लोगों के साथ जैसे दिया जाए 94.4% थी, इंग्लिश और SS में इसकी 89 मार्क्स आए, वरना इसकी बस 98 के आसपास इसकी भी पहुँचती, दक्षी भी पहुँचती, खगेश की भी 98 के आसपास परसेंट पहुँचती। इनकी किसी ना किसी सब्जेक्ट में एक में कहीं किसी सब्जेक्ट में कम नंबर रहने के कारण ना इस तरीके की समस्या है। ये अगर हम लोगों के देश के नेताओं में बड़े जो लोग हैं हम लोगों के, अगर उनको यही भावना रही तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ ये देश बहुत जल्दी तरक्की की ओर अग्रसर तो है, बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आगे पहुँच जाएगा। ऐसे नेताओं की, ऐसे लोगों की और ऐसे समाज सेवियों की हमें हमेशा आवश्यक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरा परिवार, स्टाफ को परिवार में ही काउंट किया जाएगा, और जब ही हम काम करेंगे जब ही हम ये अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मेरे को अभी जानकारी मिली है, इस दादू क्लासेज में 233 बच्चे कोचिंग ले रहे हैं और रिजल्ट आपने देखा है, इतना टॉप का रिजल्ट जो राजस्थान में अलवर के नंबर 1 रिजल्ट इस क्लासेज का दिया है। तो इसके लिए मैं दादू क्लासेज का और आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने अपने परिवार को प्रेरित किया और इनके परिवार ने अलवर के बच्चों के अंदर इतना टैलेंट पैदा करने के लिए ये दादू क्लासेज यहाँ पे चालू की हैं। और मैं उन परिवारजनों का भी और इन बच्चों के अभिभावकों का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, और जिन्होंने इनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास पे ये खड़े उतरे हैं। इन्होंने दिखा दिया है कि ये दादू क्लासेज अलवर के अंदर नंबर 1 है
नंबर वन रहेगी और नंबर वन रहने के लिए आगे प्रयास करते कि दादू अपने दादाजी को बाबा कहते हैं तो ये नाम ही बहुत सुंदर है, जिससे कि हमारे सामने मंच पर विराजमान भी हैं, सबके दादू हैं, इसलिए मैं नाम लेकर के संबोधित नहीं करूँगा। मंच पर विराजमान बड़े दादू जी और हमारे नगर परिषद के सभापति, जो कि शहर के प्रथम नागरिक हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मंच पर विराजमान सभी, जिसमें मेरा भी नाम है, पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये मेरा परिवार भी है, मेरा घर भी है, मेरा क्षेत्र भी है, वैसे पूरा अलवर शहर है, लेकिन ये व्यक्तिगत क्योंकि यहाँ से चुन करके मुझे भेजा है, तो मैं सभी को धन्यवाद भी कहूँगी कि मैं इस वार्ड की नागरिक भी हूँ और स्वयं यहाँ से हूँ।